सास कौशिक की पांच बहुएं। मॉम जी, जो आपने बोला था मैंने पूरी लिस्ट बना ली। सासू माँ हमारी है बहुत अच्छी, दिल की है ये बहुत ही सच्ची। इनकी शक्ति पर मत जाना, इस मुखोटे के पीछे छुपा है ममता का खजाना। अब आ गई मन ने समझ में तुम सबकी बात, अब इनकी ममता की छाव में कटेगी मारी हर सांस। सौभाग्यवती भव, दूध हो नहाओ पोतो फलो तथास्तु। थारे को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना होगा, इस परिवार के मान मर्यादा सम्मान का ख्याल रखना होगा, समझे कि ना? निम्मी बिन्नी। हाँ जी अम्मा साहब। जरा अखबार की खबर तो पढ़ के सुनाना, कोई हीरो के बारे में चटपटी खबर सुना था। लाओ जी, मुझे तो वैसे भी ना मम्मी जी दैनिक भास्कर पढ़ना बड़ा ही पसंद है। राजस्थान सरकार ने आज एक नई कमेटी बनाने की घोषणा की है जो आंगनवाड़ी में बच्चों के भोजन में हो रहे धांधलियों की जांच करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी सारी आंगनवाड़ियां हैं, सबकी जांच कैसे हो सकती है? मासा, जांच होगी या फिर नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अगर ये खबर दैनिक भास्कर में छपी है ना तो सच्ची होगी, क्योंकि अखबार हमेशा सही और सटीक खबरें छापता है। पता है, ये हमारे देश का ना सबसे बड़ा पब्लिकेशन है। अब हम देखते हैं। हेलो जी, कौन? पद्मावती? हाँ, अरे पद्मावती, इतने सालों के बाद तुझे हमारी याद कहाँ से आ गई? अच्छा अच्छा, अरे ये पूछने की क्या बात है, आना, तेरा अपना घर है। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, हम इंतजार करेंगे। अच्छा मासा, क्या बात है, किसका फोन था? वो हमारी बचपन की सहेली पद्मावती, वो बहुत सालों बाद हमसे मिलने के लिए घर पर आ रही है। मासा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने सालों के बाद आप अपनी सहेली से मिलेंगी, आप तो बेस्ट फ्रेंड है क्या? आपकी दोस्ती कैसे हुई उनसे? हम लोग बचपन से कॉलेज और स्कूल में एक साथ पढ़े हैं। बिंदु, 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 कैसी लग रही हूँ मैं देख? बताना, बोलना, कैसी लग रही हूँ मैं इन कपड़ों में? बहुत अच्छी लग रही है। पता है, मेरी मम्मी ने मेरे मामा से कहकर खास मंगवाया है मेरे लिए बंबई से। अच्छा है ना? तुझे अच्छा लगा? चल ठीक है, जब मैं पैंट पहन कर बोर हो जाऊंगी ना तब मैं तुझे दे दूंगी पहनने के लिए। अब तेरा तो कोई है नहीं ना बंबई में जो तुझे अच्छे अच्छे कपड़े ला कर दे, तू इसी से काम चला लेना। ओके, आलू के पराठों के अलावा और भी कुछ पकाना आता है या नहीं? बचपन से जब देखो तू रोज आलू के पराठे उठाकर लेकर आती है। अरे कभी तो कुछ अच्छा लाया कर लंच के लिए। पकड़ तेरा आलू का पराठा, ये देख मैं क्या लाई, सैंडविचेस। ये देख 67%। और तेरे दिखाना, अरे बताना बताना।
मासा बताइए ना, आपकी सहेली कैसी है? बिल्कुल आपके जैसी होंगी, है ना? उत्कर्ष, पिटू, आदि, शिपू, कार्तिक, गहना बहु, सा, जल्दी से इधर आइए, जल्दी से आइए सा। अरे भाई क्या हुआ, ये आपातकालीन बैठक क्यों बुलाई है? कोई नई विपदा आने वाली है घर में क्या? नहीं नहीं सा, विपदा नहीं, हमारी बचपन की सहेली पद्मावती हमारे घर पर आ रही है। अरे तो एक ही बात है सा, मेरा मतलब अच्छा सा, वो ना अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ रही है। हाँ मासा, लेकिन वो आ कहाँ से रही है? अमेरिका से। विलायती मेहमान आ रहे हैं भाई। अरे विलायती क्यों, है तुम्हारे बिंदने की बचपन की सहेली। अरे विलायत में रहे तो के होया, होगी तुम्हारी बिंदने की तरह सरल और संस्कारी। क्यों बिंदनी? हाँ मासा, वो हमारे बचपन की सहेली है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी ना रह जाए। और हाँ कहना बहू, चाय नाश्ते से लेकर खाने तक सारी चीजें चांदी के बर्तनों में परोसी जाएंगी, ठीक है? तुम ऐसा करो, जल्दी से बर्तन निकलवा के साफ करवा। जी मासा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और जब तक आपकी सहेली है ना, तब तक हम शुद्ध राजस्थानी खाना बनाकर ही खिलाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो नए जमाने का खाना बनेगा, वो अंग्रेजों की तरह, समझी तुम? अब मासा, जैसे अंडा ब्रेड और पिज्जा है ना? बिल्कुल नहीं, अंग्रेजों की तरह खाना बनेगा लेकिन शुद्ध शाकाहारी। और हाँ लवली और रिया, जल्दी से बाजार जाओ, वो और वो अच्छे वाले जो कप प्लेट होते हैं, अच्छे वाले बर्तन ले आओ, और वो नई तरीके के जो बिस्कुट है ना वो ले आओ। और क्या करना है, और क्या करना है? अरे हाँ, अब ये जो कुशन है ना, ये भी बदलने हैं, और सारे पर्दे बदलने हैं। अरे नहीं नहीं, हम तो कहते हैं उनको धुलवाना क्यों है, जाकर के नए खरीद लो। अरे लेकिन इसकी जरूरत क्या है? जरूरत है सा, अरे हम तो कहते हैं आदि, तुम ऐसा करो एयर कंडीशन ले आओ और LCD ले आओ, और वो मेहमानों के कमरे में लगा दो, कहना उनकी सहूलियत हो जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे भाई पद्मावती को AC की आदत होगी, बिना AC के कैसे रहेगी वो? पर मासा, ये AC LCD में कुछ ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा? अरे हाँ ये तो हमने सोच। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ना किराए पे ले आओ, कुछ दिनों की तो बात है। लेकिन थोड़े दिनों के लिए इतना खर्चा करना क्या जरूरी है बिंदेश्वरी जी? अजीब बात है सा, यहाँ हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है और आपको खर्चे की पड़ी है। मेहमान भगवान का रूप होता है, और अगर उसकी सेवा में कमी की जाए ना, तो घर की बरकत जाती है। लेकिन कुछ नहीं सा, सब लोग कान खोल कर सुन लो, पद्मावती की खातिरदारी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? जी मासा। कुछ पूछना है किसी को? मासा को क्या हो गया? सखी प्रकोप, वो जैसे दैवी प्रकोप होता है ना, वैसे ही। अरे तुम लोग अभी तक वहीं खड़े हो, जाओ जल्दी से काम शुरू करो। तो बर्तनों को चमका डाल अच्छे से।
चांदी का सेट ना अच्छे से साफ करना, और हाँ ये जो चम्मच है ना इनका खास ध्यान रखना, हाँ कहीं इधर उधर ना हो जाए, ठीक है ना। और हाँ एक बात और, जो हमारी सहेली है ना वो तुम्हारी बातों से और तुम्हारे अंदाज से वाकिफ नहीं है, तो इसलिए कम से कम बात करना, ठीक है, और ध्यान रखना कि उसे किसी बात का बुरा ना लग जाए। अरे मासा आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, घर आए मेहमान को कैसे खुश करना ना मैं अच्छे से जानू। अरे ऐसा शीशे में उतारूंगी ना। वो मासा मतलब उनका दिल जीत लूंगी। करंटिया देखो इस सब की कोई जरूरत नहीं है, हो सके तो कम से कम बोलना, ठीक है। ये क्रीम बिस्किट ना फ्रिज में रख देंगे। अरे सुनो तुम लोग सब बाजार से ले आए ना। जी मासा। अरिया बहू जैसा लंदन में मिलता है सारा सामान वैसे लेकर आए हो ना। जी मॉम जी। देखो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मासा हमारे घर में कोई कमी नहीं है कि कोई भी मीन मेक निकाल सके, और वैसे भी मासा इन सब दिखावे की क्या जरूरत है। मासा आप मुझे गलत मत समझना, मेरा मतलब यही था कि आप ऐसी परेशान हो रही है, हम सब संभाल लेंगे ना। इन्हें कैसे बताएं कि हम पद्मावती को क्या चताना चाहते हैं, अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई ना तो हमारी नाक कट जाएगी। मॉम जी क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। देखो हमारी सहेली के स्वागत में ना किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। अब तुम जल्दी से हाथ चलाओ ना, और देखो तुम लोग जाओ जल्दी से वो बैठक में जाके देखो कि सारा सामान अच्छे से सजा दिया या नहीं, ठीक है। चलो जल्दी चलो। कलोजड सला पिंक केस टो टू कप। नहीं मिथेश्वरी तुम हार नहीं मान सकती, अंग्रेजी तो तुम्हें सीखनी होगी, किसी भी हाल में तुम पद्मावती से पीछे नहीं रह सकती। फिर से कोशिश करते हैं। ये एस आई ए पकड़ लिया। इसमें पकड़ने वाली क्या बात है, अखबार ही तो पढ़ रहे हैं हम। अरे लेकिन भैया अचानक अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की कैसे सूझी आपको? क्यों अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ सकते हम? वो तो बहुत छोटा छोटा लिखा है इसमें, और हमने चश्मा भी नहीं पहना इसलिए पढ़ा नहीं जा रहा। दादी चलो मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। नहीं मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। स्लैपिंग केस स्कूल टू कॉन्सर्ट टीचर। लकी आराम आराम से पढ़ो एक एक शब्द, हाँ उसके बाद हम बोलेंगे। चलो स्लैपिंग स्लैपिंग केस केस हाँ दादी अब ठीक है। ये पिंदेश्वरी जी को अचानक अंग्रेजी अखबार पढ़ने की धुन कैसे सवार हो?
वैसे एक बात तो है अम्मा सर, हमारा घर जो है ना बहुत अच्छी तरह चमक रहा है। बिल्कुल, आज तो हमारा घर चांदी की तरह चम चम चमक रहा है। अरे अम्मा सा, चांदी की तरह ही चमकेगा ना, 30,000 रुपए जो खर्च हुए। 30,000 रुपए? भैया ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मासा हमें हमेशा एक एक पैसा बचाने को कहती है और आज उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट एक ही दिन में खर्च कर दिया। हाँ ये तो है, पर हमें एक बात समझ में नहीं आई, मासा को इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उनकी बस एक सहेली ही तो हारी है। कोई बात तो जरूर है, वरना आज से पहले मैंने मासा को ऐसा दिखावा करते हुए कभी नहीं देखा। अच्छा पर्दे लग गए सब, हाँ सब ठीक है। कुशन कहना, बहू ये कौन सी साड़ी पहनी है तुमने? अरे जाओ जाकर के वो नीले रंग की साड़ी पहनो, वो तुम पर बहुत खिलती है। ठीक है जाओ जल्दी से जाओ। जी मासा। अम्मा सा हमारी साड़ी कैसी लग रही है? बिल्कुल चोखी लग रही है। वो मम्मी जी, ओ जी मैं तो सही लग रही हूँ ना? हाँ निमी बहू तुम भी ठीक लग रही हो। अजय पागल की कसम, अच्छे लगने के चक्कर में देखो बिट्टू जी की ना सांस ही अटक गई है। अजी मेरे नहीं पहनने कपड़े शपड़े। बिट्टू बिट्टू भैया, बिट्टू जी, ओ जी नहीं जी, आप कितने सोने लग रहे हो इसमें पता है? अमेरिका से लोग आ रहे, लगता है वो लोग आ गए। घड़ी खामा मासी सा। वेलकम टू इंडिया पद्मावती। पद्मावती नहीं, पैडी बोल मुझे पैडी। और बिंदु तू, तू तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, लाइक ब्यूटी। कम ऑन बिंदु डार्लिंग, गिव मी अ हग। अब तुम भी बिल्कुल नहीं बदली, उतनी खूबसूरत हो पद्मावती। बिंदु एक बार में तुझे कुछ भी याद नहीं रहता ना, पद्मावती नहीं पैडी बोल, पैडी। पद्मावती बहुत ही पुराना और आउटडेटेड नाम है, बिल्कुल तेरे घूंघट की तरह।
जिसका बोझ तू आज तक ढो रही है. What to do? कौशिक की पांच बहू.